तीन तलाक का करा उन्होंने और के नाम से उसमें हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं करा, सबको योजना का बराबर लाभ मिल लिया है और के नाम से परमिट का गल्ला फ्री मिल लिया है और दो साल तक मतलब कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई लॉकडाउन में। आज भी आप आधी रात को कहीं चले आए, कहीं भी चले आए, कोई ऐसा नहीं कोई कांड हो रहा है कुछ हो रहा है, मतलब हम खुद से अपना बता रहे हैं कि हम कहीं भी चले आएंगे, कोई टच नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं देख सकता, सब अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, कोई भी चीज की परेशानी नहीं है ऊपर वाले की। वो तो सबका ही विकास कर रहे हैं भाई, भाईजान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका ही तो विकास हो रहा है, इसमें विकास में कोई कमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुष्मान योजना है, उज्ज्वल योजना है और इसी तरह पर और भी योजनाएं जो हैं वो गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी हैं जो पिछले दौर में नहीं रही हैं। शुरू के आज़ादी के बाद से वो दौर में ऐसी योजनाएं नहीं बनी या बनी वो तो ज़मीन पर नहीं आ सकी, लेकिन इन 9 सालों में इन योजनाओं का फ़ायदा तो जनता को बहुत मिला है। 3 तलाक को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कहा, क्या सोचती हैं आप उसको लेकर, ठीक चीज कही उन्होंने? नहीं, पहले हमें गलत भी लगी थी, फिर बाद में हमने ये देखा ना कि ये माहौल आजकल बिगड़ा है, ये उसके हिसाब से सही करा उन्होंने, हमने इस चीज को सोच के बोल रहा है ये चीज, और मोदी जी ने जो करा वो सोच समझ के उन्होंने जो करा। पहले अच्छा, आपको क्या ठीक नहीं लग रहा था या क्या सोच रहे थे पहले इसमें? पहले हम ये सोच रहे थे कि ये गलत फैसला हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, गलत फैसला हो रहा, फिर हमने सोच के फिर बाद में हमने सोचा कि ये अच्छा कर रहा है, अच्छाई में बदल जाए चीज। पिछली जो सरकार थी पूर्व उनके तरफ से तो जो काम आज मोदी जी कर रहे हैं वो तो कभी हुआ ही नहीं था। मोदी जी सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो हिंदू औरत हो या मुस्लिम औरत हो। ये 3 तलाक तो लोगों ने यूज कर लिया था कि खड़े हो गए थे, तलाक कर लिया था, तो ये अच्छा किया है। जो आज मुस्लिम महिलाएं सेफ हैं तो बहुत अच्छा है, खुश हैं मुस्लिम महिलाएं इससे, बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश होने का रीजन उनका यही है कि कोई भी आदमी खड़ा हो जाता था कि मैंने तुझे छोड़ दिया। ये 3 तलाक जैसी चीज को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा करो, ये तो मर्दों के लिए, आदमियों के लिए परेशानी है, और समाज में तो नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम समाज में क्यों होता है? अच्छा कानून बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है, जो कोई नहीं कर पाया मोदी जी ने करा है। मोदी जैसा ना कोई आया है ना आएगा, सिर्फ मोदी है। इतना पसंद करते हैं हम? जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये सारी चीजों के बाद वही सवाल हम सभी से करते हैं कि मोदी जी को भाईजान मानते हैं आप लोग? जी हाँ बिल्कुल मानते हैं और अच्छा कर रहे हैं वो। सुन रहे हैं तमाम मुस्लिम महिलाओं को कि क्या कुछ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रही है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें यही हमें नजर आ रहा है फिलहाल कि किस तरह से 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया गया। मध्य प्रदेश की कुल आबादी करीब 7 करोड़ है, इनमें मुस्लिम मतदाता 50 लाख है। 51 में 19 जिलों के अंदर मुसलमानों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 22% है।